स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल रुदौली ट्रांजैक्शन क्लब में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। इस समय हम मौजूद हैं रौजा गांव रेलवे स्टेशन पर और पहले देखिए अजमेर जंक्शन से चलकर किशनगंज को जाने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस का स्पीड व्यू, उसके बाद आगे की वीडियो दिखाते हैं। तो अभी आपने देखा अजमेर से चलकर किशनगंज को जाने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस का स्पीड व्यू। यह ट्रेन लखनऊ से चलने के बाद इसका सीधा ठहराव रुदौली रेलवे स्टेशन पर है। लगभग 90 किलोमीटर के रनिंग के बाद पहला हॉल्ट ये लेती है रुदौली रेलवे स्टेशन पर। इसके बाद अयोध्या कैंट और शाहगंज और आगे आजमगढ़ मऊ होते हुए किशनगंज तक का सफ़र तय करती है। ये देखिए रौजागांव रेलवे स्टेशन की ताज़ा स्थिति बारिश के बाद, क्योंकि बाराबंकी और अयोध्या ज़िले में ताबड़तोड़ बारिश हुई है, जिसके बाद उसका परिणाम आप देख सकते हैं। यहाँ रेल बेड पर पानी भर गया है, कीचड़ ही कीचड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कारण से अब यहाँ कार्यों में विलम्ब होगा, क्योंकि इसे सूखने और इस पर लाकर सूखी मिट्टी डालने के बाद ही इस पर कोई कार्य आगे बढ़ पाएगा। सामने आप देखिए रौजागांव रेलवे स्टेशन की नई स्टेशन बिल्डिंग बनाई जा रही है। यहाँ पर जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग रेलवे ट्रैक के उत्तर दिशा में बनाई गई थी और स्टेशन की नई बिल्डिंग को रेलवे के दक्षिण दिशा में बनाया जा रहा है, जिधर हमारा NH 27 लखनऊ गोरखपुर हाईवे हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है स्टेशन भवन में, और बारिश के बाद आप देख सकते हैं रेल बेड की क्या स्थिति है यहाँ पर। चलिए अब ले चलते हैं आपको पटरंगा रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ हमारी ट्रेन कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस स्पीड में इसको क्रॉस करती है। उसके बाद आगे का वीडियो दिखाएंगे हम आपको। तो अभी आपने देखा पटरंगा रेलवे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग का व्यू, और उसी के बगल में बन रही है पटरंगा रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग। वहाँ पर हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, इस कारण से स्पीड में ही मैंने उसको कैप्चर किया था। पटरंगा रेलवे स्टेशन पर जो लूप लाइन है उस पर स्लीपर को बदलने का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण से वहाँ पर ट्रेनों को क्रॉस नहीं कराया जाता है, क्योंकि लूप लाइन पर कार्य चल रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर। ये देखिए हमारी ट्रेन अब दरियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सामने देखिए आप दरियाबाद रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड आ गया। यहाँ पर क्या स्थिति है नए स्टेशन भवन की, उसको अभी हम आपको दिखाएँगे वीडियो में। अयोध्या कैंट से लेकर बाराबंकी जंक्शन के बीच में पड़ने वाले सभी स्टेशनों के बीच में सबसे धीमे काम दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर चल रहा है। यहां अभी कार्यों में कोई तेज़ी नहीं दिख रही है। ये देखिए दरियाबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 आ गया, जहां पर हमारी ट्रेन 1:31 कोलकाता से जम्मू तवी के बीच चलने वाली सियालदह एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगने जा रही है।
आगे की तरफ अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर स्टेशन की बिल्डिंग का कितना काम हुआ है। सामने की तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेशन का नया भवन आपको दिख रहा होगा, उधर देखिए आप, उसका स्ट्रक्चर तैयार है, अभी उस पर लिंटर नहीं डाला गया है। अभी हम आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे और यहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म से संबंधित कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, आगे की तरफ जो छज्जा निकाला जाता है उस पर लिंटर डालने का काम कर लिया गया है, जबकि जो स्टेशन की मुख्य बिल्डिंग है उस पर अभी लिंटर डालना बाकी है। सीमेंट और कंक्रीट से डाला जाएगा लिंटर यहाँ पर। और अब हमारी ट्रेन दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर स्टॉप ले चुकी है। इसके बाद हम आपको आगे का व्यू दिखाएंगे कल की वीडियो में, जब हम दरियाबाद से लेकर सैद खानपुर होते हुए सफदरगंज तक आपको वीडियो दिखाएंगे, जिसमें बारिश के बाद कल्याणी नदी पर जो पुल बन रहा है उसका क्या हाल है और वहां पर कितना जल भराव है उसकी भी ताज़ा अपडेट देंगे, जब हम लखनऊ से रुदौली की तरफ यात्रा करेंगे। और कल के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सफदरगंज रेलवे स्टेशन के पास क्या पोजीशन है। यहाँ पर देखिए दरियाबाद रेलवे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग और ये टीन सेट जहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए बेंचेस लगाई गई हैं। अभी दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज बनाने का भी कोई काम नहीं हुआ है। मान के चलिए आप कि सबसे लेट में जिस स्टेशन पर कार्य पूरे होंगे वो दरियाबाद रेलवे स्टेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी शुरुआती चरण में कार्यों की शुरुआत हुई है। ये देखिए दरियाबाद रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड आ गया है और यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म नंबर एक की खुदाई होगी, जहाँ पर लूप लाइन डाली जाएगी, जहाँ पर इस समय पुराना प्लेटफॉर्म नंबर एक हुआ करता है दरियाबाद रेलवे स्टेशन का। और यहाँ से देखिए आगे की तरफ ट्रैक मशीन स्टाफ का कोच खड़ा हुआ है, आप देखिए एक के बाद एक लगातार तीन कोचेस हैं और आगे भी एक कोच है, कुल मिलाकर यहाँ पर चार कोच खड़े हुए हैं ट्रैक मशीन स्टाफ का। और ये अब दरियाबाद की लेवल क्रॉसिंग आ गई सामने की तरफ, हमारी ट्रेन अब दरियाबाद रेलवे स्टेशन से निकलकर मेन लाइन पर पहुँच चुकी है। कल के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सैद खानपुर सफदरगंज स्टेशन का व्यू। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।